हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर तनिमा सिंघल है। मैं एक प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन स्पेशलिस्ट हूँ मासी केयर क्लिनिक विकास नगर लखनऊ में। कई बार मदर्स मुझसे ब्रेस्ट फीडिंग की काउंसलिंग कराते समय पूछती हैं कि क्या हम ब्रेस्ट पंप्स खरीद लें, और अगर हम ब्रेस्ट पंप खरीदें तो उसमें कौन सा खरीदें, मैनुअल या इलेक्ट्रिक। तो ये क्वेश्चन मैं बहुत मदर्स से सुनती आ रही हूँ, और आज इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिससे मैं आपको ये नॉलेज दे सकूँ कि आप अगर पंप डिसाइड करते हो लेने के लिए, तो पहले तो मैं यूजुअली पंप के लिए सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि आप डायरेक्टली फीडिंग कराना सबसे अच्छा होता है। आप बच्चे को जब डायरेक्टली स्तनपान कराते हो उसके फ़ायदे बहुत हैं, बहुत फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि आप बच्चे को डायरेक्टली फीडिंग क्यों कराएं और पंप से क्यों प्रेफरेबल नहीं है। लेकिन आज हम फिलहाल मैं बता रही हूँ कि आपको अगर आप किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम है, जैसे अभी हम बात भी करेंगे कि मदर्स ब्रेस्ट पंप क्यों यूज़ करने लगती हैं, तो उसमें अगर आप अगर फिर आपको एक कंफ्यूजन है कि हम मैनुअल यूज़ करें कि इलेक्ट्रिक यूज़ करें, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि आपको ये मतलब ब्रेस्ट पंप ये कब डिसाइड करते हैं कि हमको ब्रेस्ट पंप यूज़ करना चाहिए, और क्यों मदर्स ब्रेस्ट पंप यूज़ करती हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ये एक कॉन्सेप्ट मदर्स का कि लैचिंग, बच्चा किस तरह से माँ के साथ जुड़ा हुआ है, वो लैचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर तरीके से मिल्क का ट्रांसफ़र होने के लिए, और ब्रेस्ट प्रॉपर तरीके से एम्प्टी या खाली होने के लिए। अगर मदर को सही से गाइडेंस नहीं है कि बच्चे को वो कैसे लैच कराए, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब मिल्क अच्छे से एम्प्टी नहीं होता तो धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क कम होता जाता है। तब उस समय मदर को लगता है कि मैं ब्रेस्ट पंप यूज़ करूँ तो मैं पंप करके निकाल लूँ मिल्क और वो अपने बच्चे को फीड करा लूँ। तो ये सिचुएशंस होती हैं, तो इसको भी आप फिर से ठीक कर सकते हो प्रॉपर लैचिंग के साथ। अब दूसरी, कई बार अनएक्सपीरियंस्ड मदर्स को कई बार प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद सही तरीके से अगर गाइडेंस नहीं मिलती है कि बच्चे को कैसे होल्ड करना है, बच्चे को कैसे पकड़ना है फीड कराने के लिए, तो भी बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पाता, जिसकी वजह से माँ को लगता है कि मैं पंप करके निकाल लूँ मिल्क और बच्चे को दे दूँ। फिर नेक्स्ट चीज़ होती है ओवर सप्लाई। कई बार इतना दूध माँ को बन रहा होता है कि बच्चा दूध पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाता, तो वो जो दूध है वो माँ के दूध ब्रेस्ट में इकट्ठा होने लग जाता है और उसकी गांठ पड़ने लग जाती है। तब उस समय मदर को एडवाइज्ड होता है कि वो मिल्क को एम्प्टी करे, तो वो मैनुअल एक्सप्रेशन यानी हाथ से निकाल सकती है दूध, या फिर वो पंप का इस्तेमाल करने लगती है मिल्क को निकालने के लिए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चा बहुत लंबा सो रहा है। शुरू में बच्चे 1-1.5 महीने तक करीब बहुत सोते हैं, 10-14 घंटे तक भी सोते हैं। तब उस समय मदर को ये लगता है कि मेरा बच्चा भूखा सो रहा है, तो वो फीड कराने की कोशिश करती है, लेकिन अगर बच्चा नहीं उठता है तो उसको लगता है कि मैं पंप से मिल्क निकाल लूँ और बच्चे को बॉटल में दूध दे दूँ तो मेरा बच्चा दूध पी लेगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से मदर पंप यूज़ करना शुरू करती है। बट हमको फिर यहाँ समझना है कि यहाँ पे भी लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से ही हम चीज़ों को ज़्यादातर पंप की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को पहले समझना कि पंप पे हमको शिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अभी हम फिलहाल समझ रहे हैं कि पंप पे क्यों आ जाती हैं मदर्स। फिर इसके बाद अगर प्री मेच्योर बेबी है, तो कई बार बच्चे उतना अच्छे से सक नहीं कर पाते ब्रेस्ट मिल्क पे, तो मदर को लगता है कि मैं फीडिंग पंप से निकाल के बच्चे को फीड करा सकूं। उसके बाद कई बार बच्चे का वेट बहुत कम होता है, बर्थ वेट इतना कम होता है कि डॉक्टर्स ने बोला होता है बच्चे को, माँ को, कि बच्चे को रेगुलरली फ़ीड कराना है। तो अगर बच्चा रेगुलरली फ़ीड नहीं कर रहा होता है तो माँ को लगता है कि मैं ब्रेस्ट पंप से मिल्क निकाल करके बच्चे को दे दूँ, जिससे बच्चे का वेट बढ़ने लग जाए अच्छी तरीके से। फिर कई बार ट्विंस, अगर 2 या 3 बच्चे हैं एक साथ ट्विंस हुए हैं, तो भी दोनों बच्चों को फीड कराने में मदर को डिफ़िकल्टी होती है, तो वो कई बार पंप्स का यूज़ करने लग जाती है। उसके बाद अगर घर में बहुत काम है, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, आपकी जो आपके घर में आपको सिर्फ हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, तो बहुत काम होता है, कई बार बच्चे को डायरेक्टली फीड कराना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मदर को लगता है कि मैं मिल्क निकाल करके रख लूँ और बच्चे को जब ज़रूरत होगी तो उसको फीड करा सकूँ। उसके बाद अगर मदर वर्किंग है, 6 महीने के बाद कई बार मदर को वापस वर्क ज्वाइन करना होता है, तो उसको लगता है कि मैं मिल्क निकाल के घर में रख जाऊँ पंप से, जिससे कि कोई भी जो घर में है वो बच्चे को दूध पिला सके। फिर अगर घर पहले ही एक बच्चा है जो बड़ा है, उसकी भी केयर करनी है, घर की भी देखभाल करनी है, और कोई प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, तो भी मदर्स को लगता है कि मैं पंप से मिल्क निकाल के बच्चे को फीड करा दूँ।
फिर उसके बाद कई बार ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि डिलीवरी के बाद बच्चा NICU में है। अगर NICU में होता है बच्चा तो डॉक्टर्स की सजेशंस होते हैं कि बच्चे को आप ब्रेस्ट मिल्क दें, तो मदर उस समय कई बार अपना मिल्क निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें मदर्स यूजुअली पंप का इस्तेमाल करती हैं, और इन सब चीज़ों के लिए मदर को सही अगर गाइडेंस दी जाए तो मदर को पंप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो खुद अपना डायरेक्ट फीडिंग करा सकती है। वो एक सेपरेट टॉपिक है जो कि हम अगले वीडियो में कवर या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम ये जानते हैं कि अगर मदर ब्रेस्ट पंप ले रही है किसी भी वजह से, तो उसमें मैनुअल पंप और इलेक्ट्रिक पंप इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मैनुअल पंप। मैनुअल पंप वो पंप होता है जिसमें आपको हाथ से पंप करना होता है और मिल्क को निकालना होता है। तो हाथ से पंप करने वाले पंप को मैनुअल पंप कहते हैं। इसके जो एडवांटेजेस हैं, इसके जो फ़ायदे हैं, वो ये हैं कि आप स्पीड को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। आपको जितनी स्पीड चाहिए आप वो कंट्रोल कर सकते हो। फिर ये सस्ता होता है, चीप होता है आपका इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप से। आपका जो मैनुअल पंप होता है ये आपका 2 से 5 हज़ार के बीच में आ जाता है, और आपका जो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप होता है वो 5 से 10 के बीच में सिंगल पंप, और अगर डुअल पंप पे आप जा रहे हो तो 10 से 20 हज़ार के आसपास की रेंज पे आता है। तो इसलिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है मैनुअल पंप। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपके मैनुअल पंप में, क्योंकि वो बिजली से नहीं चलता है, तो आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ईजी होता है यूज़ करना, रखना, ले जाना। तो अगर आप बाहर जा रहे हो या आपको कहीं अपने बच्चे के साथ बाहर जाना है तो उसको इस्तेमाल करना आसान होता है। फिर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी पे या किसी भी तरीके से इतनी सारी चीज़ों को कैरी करने की। तो मैनुअल पंप मदर्स को एडवांटेजेस लगते हैं। उसके जो एक दो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि प्रॉब्लम्स हैं कि मैनुअल पंप के साथ, वो ये है कि ब्रेस्ट पंप के साथ जो मैनुअल पंप होता है उसके साथ ज़्यादा थकान होती है, क्योंकि आपको हाथ से लगातार पंप करना होता है तो वो टायरिंग होता है। दूसरा, टाइम टेकिंग होता है। जितना टाइम एक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप से मिल्क निकालने में लगता है उससे बहुत कम लगता है मैनुअल पंप, उससे बहुत ज़्यादा लगता है मैनुअल पंप में। तो मैनुअल पंप से ब्रेस्ट मिल्क निकालना टाइम टेकिंग होता है। उसके बाद आपको स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टाइम देना होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के साथ कई बार नर्सिंग ब्रास दी होती हैं जिनको आप पहन करके अपने और काम भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैनुअल पंप है उसके लिए आपको डेडिकेटेड टाइम दे करके बैठ के प्रॉपर फीडिंग पंप करना होता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आप इलेक्ट्रिक पंप के कुछ जो एडवांटेजेस हैं, उसका आउटपुट ज़्यादा होता है क्योंकि वो आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और दूसरा आपका हैंड्स फ्री होते हैं, आप हाथ छोड़ के आराम से उसको फीडिंग करा पंप कर सकते हो। ये एडवांटेजेस होते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के। और जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो ये हैं कि वो कॉस्टली होता है, उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। पावर के ऊपर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक डिपेंडेंसी होती है कि अगर लाइट नहीं आ रही है, आजकल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के साथ बैटरी का भी सिस्टम दिया होता है, बट बैटरीज को चार्ज करना, उसको हमेशा अप टू डेट रखना, ये भी एक टास्क की तरह हो जाता है। फिर उसके पार्ट्स अगर ख़राब हो जाते हैं तो वो कॉस्टली होते हैं, क्योंकि कई पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में, पार्ट्स कई बार मिलते भी नहीं हैं और बहुत जल्दी वेयर एंड टेयर होता है उनका, तो वो कॉस्टली भी होते हैं उनको कराना। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें कन्फ्यूजन भी होता है कई बार मदर को कि क्या चीज़ यूज़ करें क्या चीज़ यूज़ ना करें। फिर उसके बाद नॉइज़ी होता है, आवाज़ बहुत करता है ब्रेस्ट पंप, इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप जो होता है। ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है ब्रेस्ट पंप के बारे में, मैं अगेन आपसे कहती हूँ कि ब्रेस्ट पंप की रिक्वायरमेंट आपको अनटिल एंड अनलेस, अगर आपको सही से प्रॉपर गाइडेंस है मदर की फीडिंग के लिए, आप डायरेक्टली फीड कराइए, पंप का इस्तेमाल ना करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन लीजिए, फिर भी नहीं आता है तो ही आप पंप का इस्तेमाल करिए। और ब्रेस्ट फीडिंग डायरेक्टली कराने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं उसके। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपको रेगुलरली जो वीडियोस हमारे अपलोड होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। साथ में हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमारे साथ जुड़िए और इस अवेयरनेस में पार्टिसिपेट करिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स को सही गाइडेंस दे पाएँ। होपफुली, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।